हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आलू की टिक्की बनाने की विधि बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। आप घर में बना सकते हो बाजार जैसी टिक्की, और एकदम बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। आप एक बार ज़रूर बनाइए आलू की टिक्की, इसको टाइम नहीं लगता है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी रहती है। तो चलिए, इसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने आलू ले लिया है उबला हुआ, उसको मैंने उबाल लिया था, 3 सीटी लगा लिया है। आलू हमारा अच्छे से गल गया है। अब मैंने इसको धो के, मैंने इसको छील के और साफ़ कर लिया है। एक टमाटर लिया है मैंने, उसको भी धो के और छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक प्याज लिया है, उसको भी छील के और छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और धनिया पत्ती मैंने थोड़ा सा, उसको भी धो के साफ करके और काट लिया है छोटे टुकड़ों में। एक कटोरी मैंने आटा लिया है बाइंडिंग करने के लिए चावल का। एक कटोरी मैंने बेसन लिया है, क्योंकि उससे भी बाइंडिंग अच्छी आती है, दोनों मिलाने से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है, उसको भी मैंने ले लिया है। एक चम्मच मैंने साबुत जीरा लिया है, एक चम्मच मैं इसमें, अब मैं आलू कद्दूकस कर रही हूँ, और इसमें मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है, और पीसी मैंने अजवाइन लिया है, उससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, और बेसन रहता है तो उसमें बढ़िया रहता है पचाने में और फायदेमंद रहता है। और इसको हमने स्वादानुसार नमक लिया है। तो देखिए, हमारा आलू जो है पूरा किसके तैयार हो गया है। आलू में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि आलू उबला हुआ रहता है, तो हम किस लेते हैं बहुत आराम से। देखिए, मैंने प्याज लिया है, उसको भी मिला दिया, मैंने टमाटर भी इसमें मिला दिया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिलाऊंगी, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। ये धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर और अजवाइन, साबुत जीरा, इसको भी मैं इसी में सब मिला दूंगी। बेसन मैंने मिला दिया आधा, चावल का आटा भी मिला दिया आधा। अब मैं इसको सबको मिला के बाइंडिंग करूंगी, इसमें थोड़ी सी कटी धनिया डाल दूंगी और हरी मिर्च एक हमने काट के ले लिया, उसको भी इसी में डाल दूंगी। अब इसको मैं हाथ से ऐसे बाइंडिंग कर लूंगी, जो बचा हुआ आटा है उसको भी मैं इसी में मिला दूंगी, ताकि अच्छे से हमारा तैयार हो जाए। तो देखिए, ऐसे हाथ की मदद से हम बना लेंगे। तो अब हम इसकी छोटी छोटी टिक्की बनाएंगे, ऐसे दोनों हाथों से, ऐसे करके मदद करके, दोनों हाथों के मदद से। और जो बाजू में फट जाता है उसको मैं हाथ से ऐसे उंगली से सही कर लूँगी। तो देखिए, हमारी एक टिक्की बन के तैयार हो गई है। अब इसी प्रकार से हम दूसरी टिक्की बनाएंगे, ऐसे करके उंगली की मदद से इसका फटा हुआ हम सही कर लेंगे, ऐसे करके। तो देखिए, हमारी टिक्की बन के तैयार हो गई है। अब हम इसी प्रकार से तीसरी टिक्की तैयार करेंगे, ऐसे प्रोसेस से। तो देखिए, हमारी तीसरी टिक्की भी बन के तैयार हो रही है। आप देख सकते हो कितनी सुंदर दिख रही है। अब हमारी सारी टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब चलिए, हम गैस के पास चलते हैं। तो गैस को मैंने जला दिया है। अब इसमें पैन रख दूंगी, पैन रख के मैंने इसमें तेल डाल दिया है। तेल मैं ज़्यादा गर्म नहीं करूंगी, हल्का ही गर्म करूंगी। हल्के गर्म में टिक्की अच्छे से बढ़िया पक जाएगी, आराम से, कच्ची नहीं रहेगी। तो देखिए, अब इसमें हम टिक्की डाल देंगे। एक बार में बहुत सारी टिक्कियाँ नहीं डालेंगे, 4-4 करके डालेंगे, ताकि इनको फूलने के लिए जगह मिले और टिक्की अच्छे से पके। तो देखिए, हमारी टिक्कियाँ फूल के ऊपर आ रही हैं। अब एक साइड ब्राउन हो गई हैं,
अब इसको करछुल की मदद से हम छन्नी से इसके पलट के दूसरे साइड भी हम इसको ब्राउन कर लेंगे ऐसे करके। ऐसे मदद से धीरे धीरे करके करेंगे क्योंकि टिक्की बहुत सॉफ्ट रहती हैं तो इनको टूटने का चांसेस रहता है, तो हम इसको धीरे से ऐसा करेंगे कि टिक्की हमारी टूटे नहीं, आराम से करना है हमको। तो देखिए हमने टिक्की को पलट दिया है, टिक्की हमारी एक साइड अच्छे से ब्राउन हो गई हैं, अब दूसरे साइड भी ब्राउन हो गई हैं। अब इनको हम छन्नी की मदद से छान लेंगे, इनका तेल इस तरह हम ऐसे निकाल देंगे, एक थाली में हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए हमने एक टिक्की पका लिया है, अब हम इसी प्रकार से दूसरी टिक्की भी निकाल लेंगे बना के। ऐसे करके ऐसे बना लेंगे हम धीरे धीरे। ये टिक्की खाने में बहुत अच्छी रहती हैं, अंदर से एकदम नरम रहती हैं और बाहर एकदम कुरकुरी रहती हैं। आप इसको चाय के साथ नाश्ता के साथ कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी रहती हैं। एक बार ये टिक्की आप ज़रूर बनाइए। और हमारी टिक्की बनके तैयार हो गई हैं। अब इसी प्रकार से अगर आप टिक्की बनाओगे तो ऐसे बाजार जैसे टिक्की बनके तैयार होगी। एक बार आप ज़रूर बनाइए और खाइए। और टिक्की खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रहती हैं, बाजार जैसे बिल्कुल रहती हैं, कुरकुरी रहती हैं। और एक बार आप बनाओगे तो बार बार बनाने का मन करेगा, हल्की भूख लगे या नाश्ता में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली परिवार दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।